दोस्तों, और आज हमारी फिल्म मुहूर्त है। फिल्म का नाम हमारा हिंदू ही हिंदू का दुश्मन। ये हमारे फिल्म का टाइटल, आप जैसे कि टाइटल से ही समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या बताना चाहेंगे इस फिल्म में, कि हमारे जो हिंदू धर्म है बहुत ही सारे धर्मों में से सबसे एक अच्छा धर्म है, लेकिन कुछ लोग इसको गंदा करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और हमारा ये जो सनातन धर्म था, उस सनातन धर्म में कभी न जात पात न किसी चीज़ की कोई वो नहीं थी। अगर हम पूछा जाए कि भगवान राम का टाइटल क्या था, तो सिर्फ श्री राम ही, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न, कोई टाइटल नहीं कि सिंह थे या यादव थे या क्या थे। तो पहले हमारा, लेकिन अभी कुछ लोग आके इसको गंदगी, मतलब कुछ इस तरह से किए जो कि अच्छा नहीं लगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदू हिंदू एक। सर, पोस्टर जैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ दो जन फांसी पे लगे हैं और राइट साइड में बाबा अंबेडकर हैं, यहाँ मीरा जी हैं, क्या संदेश जा रहा है सर? ये बहुत ज्वलंत मुद्दा निकल रहा है यहाँ। जी हाँ, हाँ, ये अभी आप देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया कि पहले के ज़माने में कोई जात पात उतनी थी नहीं जितनी अब बढ़ गई है। अब जैसे हमारे रविदास, आप देखें ना, रविदास जी हैं, उनकी शिष्या थी मीराबाई जी। मीराबाई एक राजपूत थी, और जबकि रविदास जी दलित थे, लेकिन कभी उन्होंने वो नहीं किया और उनकी शिष्या बनी, और उनकी वजह से ही, समझिए, शिष्या से ही कृष्ण से, समझिए, उनका वो सूफियाना प्यार हुआ और कृष्ण को, समझिए, उन्होंने पा लिया। ये रविदास जी की, समझिए। सर से जानना चाहेंगे सर, इस पिक्चर की शूटिंग कहाँ कहाँ होगी? इस फिल्म की शूटिंग हम लोग यूपी के कई लोकेशन पर करेंगे, जैसे गोरखपुर है, संत कबीर नगर है, कुशीनगर है, लखनऊ है, ये सब जगह हमारे शूटिंग। अच्छा, अमित जी, आपका क्या रोल है इसमें, किस तरह से सहयोग दे रहे हैं? सबसे पहले तो सभी मीडिया को मेरा पैर छू के प्रणाम। और इस रोल के बारे में मैं बताऊं तो अभी रोल मुझे भी सरप्राइज रखा गया है, बट पोस्टर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मैं भड़काऊ काम करने वाला हूं आपकी बात। अच्छा, यहाँ एक वो इंसिडेंट है मनोज वाजपेयी जी जैसे, और आपको तो गोविंदा लोग कहते हैं, क्या कुछ बोलेंगे? गोविंदा एक परछाई है, क्योंकि गोविंदा जी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उनके पैरों में घूम रही हूँ। हालांकि मैं काम करता हूं, लोगों को लगता है ऐसा, लोग कहते हैं, और बहुत इत्तेफाक है कि किसी को कोई गोविंदा कहता है, किसी को मनोज वाजपेयी कहता है, और छोटे मियां बड़े मियां जब एक होकर के एक बनते हैं ना, तो इसकी एक जोड़ी की जो मिसाल है, लगातार हम लोगों ने लगभग आज पांचवी फिल्म मेरी होने जा रही सर। अच्छा। और हम लोग साथ में रहे, लोग बदलते रहे, चीज़ें होती रहीं, लेकिन ये जो एक जोड़ी है वो दिखती रही बराबर इंटरव्यूज़ में, पर्दे पर। तो बस यही है, और रहेगी गोविंदा की बात तो परछाई है, एक उनको देख के सीखा है, कहीं ना कहीं झलक जाता है। डायरेक्टर साहब कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और हो सकता है इस बैन भी लग सकती है, या कोई आवाज़ उठा सकता है, या पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं आपके विरोध में धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है, लेकिन ऐसा हमारी इस फिल्म कुछ है, मतलब है जो जिस तरह बता, हम तो सिर्फ चाहते हैं अपने हिंदू धर्म की रक्षा हो, और हिंदू धर्म की, मतलब, सारे लोग एक हो, हमारा मेन मुद्दा ये है। और जब वो उस फिल्म को देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हाँ, हम कोई अननेसेसरी भड़काऊ चीज़ें करना, या फिर कुछ इस तरह से गलत चीज़ें डालना, या कोई बोलते ना हिंदू खतरे में, मतलब इस तरह से हमारे कुछ नहीं है। हमारा, मैं चाहता हूँ कि हमारा इंसान एक रहे, हमारा हिंदू एक रहे, जो सामाजिक दूरियाँ हैं वो निकट रहे।